सबसे बड़ा कारण जो हमारी संस्कृति को और हिंदू धर्म को खत्म कर रहा है वो है नशा। आप ये कहोगे कि नशे से धर्म कैसे खत्म हो रहा है, अभी आपको समझाते हैं। वैसे आप में से पहले नशा करता कौन कौन है, ईमानदारी से हाथ खड़ा करना जो नशा करते हैं। तंबाकू, जर्दा, विमल, गुटखा, शराब, गांजा, भांग, हाथ खड़ा करो। ईमानदारों की तो दुनिया ही नहीं है, नीचे रखो। जो जो लोग नशा बिल्कुल भी नहीं करते वो हाथ खड़ा करो। 1% भी नशा नहीं, बिल्कुल ना तो कोई गुटखा, ना कोई जर्दा, ना कोई तंबाकू, ना कोई बीड़ी, ना कोई सिगरेट, पूरा हाथ खड़ा करो, नीचे कर। अब इसमें से आधे तो नशेड़ी भंगेड़ी बैठे, पर हाथ खड़ा नहीं किया। पर चिंता मत करो, हमने भी माही माता का पानी किया। अगर आप सीधी उंगली से घी निकालना नहीं दोगे तो फिर टेढ़ी करना भी आता है, और जब टेढ़ी उंगली से भी घी निकले नहीं निकले तो फिर उसको गर्म करके पिघला करके निकालना भी आता है। इतने लोग हैं जो नशा करते हैं, पर आज तक मैंने किसी को नशा करते हुए देखा ही नहीं। आश्चर्य लगेगा आपको, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी को नशा करते हुए नहीं देखा। इंसान नशा करता नहीं है, नशा करने की ट्राई करता है। शरीर स्वीकार नहीं करता है, जबरदस्ती ठूंसता है। विमल खाने वाला विमल खाता है, थोड़ी देर विमल मुंह में रखेगा, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, पूरा मुंह फुला करके मटके की तरह कर देगा, और थोड़ी देर बाद इधर पिच 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 पूरा थूक थूक के पूरे भारत को गंदा करे। एक तरफ मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान का नारा दे रहे हैं, और दूसरी तरफ विमल वाले उस पर पिचकारियां मार रहे हैं। अगर आपका शरीर विमल स्वीकार करता है तो आप उसके रस को भी बाहर क्यों निकालते हो, अंदर ही तक जाओ, ताकि शरीर ही मेला होगा, कम से कम भारत तो स्वच्छ रह जाएगा। जो तंबाकू खाते हैं वो क्या करते हैं, थोड़ी सी तंबाकू लेते हैं, मुंह में रखते हैं, और उसके बाद रस रस तो नीचे गटक जाते हैं और तंबाकू को वापस थूक देते हैं। अब इतनी सी लेनी, वापस थूकनी है, खाना थोड़ी हुआ। खानी हो तो सुबह सुबह आधा पौन किलो तंबाकू लो, उसका या तो जूस निकालो मिक्सर में, या फिर सिलबट्टे में बांट कर फिर आधे पौन किलो की फाकी लो, तो लगेगी तंबाकू खाई। इतनी सी खाना और वो भी थूकना, ये कौन सा खाना हुआ। जो सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, वो क्या करते हैं, विमल बीड़ी पीने वाले बीड़ी कहां से पीते हैं, मुंह से, और छोड़ते कहां से, नाक से। एक डिपार्टमेंट से अंदर लेना और तीन तीन से बाहर छोड़, ये मूर्खता नहीं तो क्या है। अगर शरीर आपकी बीड़ी सिगरेट स्वीकार कर सकता है तो आप इसके धुएं को भी अंदर गटक जाओ, कम से कम खुद को ही कैंसर होगा, बगल वाला तो बच जाएगा। शरीर स्वीकार नहीं करता है नशा, हम जबरदस्ती ठूंसते हैं। और नशा करने वालों का दिमाग क्या चलता है, वाह रे वाह, दाद देनी पड़ेगी। भांग पीने वाले क्या करते हैं, तर्क देते हैं, बोलते कि भंग पीना कोई बुरी बात थोड़ी, भोले बाबा भी पीते थे, हम पी रहे कौन सी बड़ी बात है, तो भोले बाबा का प्रसाद है। एक भी शास्त्र ऐसा बता दो जिसमें यह लिखा है कि भोले बाबा भंग पीते थे, कहां लिखा है कि भोले बाबा भंग पीते थे। पूरी शिव पुराण इसी चक्कर में खंगाल डाली, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि भोले बाबा भंग पीते थे। फिर भी आपको इस 1000 सालों में जो विधर्मी आए और उन्होंने कोई शास्त्र ऐसा बना दिया होगा कि जिसमें लिखा है भोले बाबा भंग पीते थे, और आपको शशि शेखर भोले बाबा की होड़ करनी इसलिए आप पी रहे हो, तो एक काम करो ना, फिर बराबरी पूरी करो। भोले बाबा तो आंकड़ा धुरा भी खाते, थोड़ा बहुत आप भी खा। भोले बाबा तो हलाहल विष भी पीते, घुट दो घुट आप भी पी लो। भोले बाबा हमेशा अपने गले में सांप लटका कर रखते, दो चार आप भी टांग लो ना, तो लगे की बराबरी पूरी की। सिर्फ भंग पीने में बराबरी क्यों करनी है, ये कोई बात नहीं होती। खुद को नशा करना और दूसरे को बदनाम करना, और सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है धन का, तन का और धर्म का। सबसे पहले बात करें धन के नुकसान की, कितना नुकसान हो रहा है। आप एक विमल खाते हो, कीमत क्या है, छोटी वाली 5 की और बड़ी वाली 10 की, खाती नहीं हूँ बाकी रेट पता है। अब दिन में 10 विमल खा रहे हो, 100 रुपए की विमल खा रहे हो, रोज 100 रुपए जा रहे हैं सिर्फ कूड़े करकट में। अगर आप तंबाकू खा रहे हो 25-30 रुपए का, आप तंबाकू भी खा लेते हो, और शराब वालों की तो बात ही छोड़ दो, उनके तो 100 रुपए में चढ़ती नहीं, जब तक 200-500 की नहीं पी ले तब तक तो लगे ही नहीं कि शराब पी। तो कम से कम 100 रुपए भी रोज के माने, आप रोज 100 रुपए उस जहर में डाल रहे हो। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर प्रत्येक हिंदू अपना नशा करना छोड़ दे और उसी नशे को गौ सेवा में लगा देना, तो भी एक भी गाय माता सड़कों पर डोलते हुए नजर नहीं आएगी।
तो सबसे बड़ा नुकसान होगा धन का, दूसरा नुकसान तन का। जिसके नशा छूट जाए आज मेरी बात सुनकर तो अच्छी बात है, और नहीं सुने तो टिकट का पैसा मेरे से लेना और जाना जयपुर में। महावीर कैंसर हॉस्पिटल है, उस कैंसर हॉस्पिटल के सारे वार्डों में एक एक राउंड लगा देना, और कुछ नहीं करना, बस राउंड लगाना है। लोग सड़ रहे हैं, किसी का गला सड़ रहा है, किसी का गाल सड़ रहा है, किसी का मुंह सड़ रहा है, और जिन नौजवान युवकों की जिंदगी अभी शुरू नहीं हुई थी वो भगवान से मौत की प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु अब तो मौत दे दे। पर मौत भी इतनी सस्ती नहीं है जो परमात्मा इतनी जल्दी दे देंगे। जब खुद के मुंह को तो आपने डस्टबिन समझ कर जो आया ठूसते गए, जो आया ठूसते गए, उस समय ध्यान नहीं आया कि अब मरना भी है, और अब कह रहे हो प्रभु से कि मौत दे दे तो मौत भी नहीं आने वाली है। तो तन का भी नुकसान होगा, और तीसरा सबसे बड़ा नुकसान धर्म का। बाकी दो नुकसान बड़े नहीं है, धन का नुकसान हो रहा है, धन और कमा लेंगे। तन का नुकसान हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, 125 करोड़ की आबादी में 5-25 करोड़ नशा के कारण मर भी जाते हैं तो क्या दिक्कत है। यूं भी नशेड़ी भंगेड़ी जिंदा रहकर करेगा क्या, ना तो धर्म के लिए कुछ अच्छा कर सकता है, न राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा काम कर सकता है। उल्टा आप मर जाओगे ना, आपके परिवार वाले भी भगवान को धन्यवाद देंगे कि प्रभु 12 दिन तो लोग लाज के चलते इसके नाम का रो लिया, पर बढ़िया हुआ, रोज खुद पीकर आता था, हमको मारता था, आज खुद मर गया तो टेंशन खत्म। किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ा फर्क पड़ेगा तो धर्म का, और वो कैसे पड़ेगा ध्यान से सुनना। आप जितने भी नशे का आइटम इस्तेमाल करते हो ना, उन सबके नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर है। आप लोग विमल खाते हो, विमल का मतलब क्या होता है, गंगा माता। अगर आप ओम छाप जर्दा खा रहे हो स्वयं ओमकार, अगर आप शंकर छाप जर्दा खा रहे हो स्वयं भोले बाबा, अगर आप तुलसी खा रहे हो स्वयं तुलसी महारानी। अब नशा करने वाले उसको अपने मुंह में ठूस देते हैं, कुड़कियों को फेंक देते हैं जहां अपना मन आया, फिर वहां पर हजारों लोग चप्पल लेकर चलते हैं, अपने पैर लेकर चलते हैं। कितने लोगों के पैर हमारे हिंदू देवी देवताओं के नाम के ऊपर पड़ते हैं, तो बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है धर्म का नुकसान। आज तक कभी किसी मोहम्मद साहब नाम का गुटका जर्दा सुना क्या, ईसा मसीह नाम का कोई गुटका जर्दा सुना क्या? तो फिर क्या सारा ठेका धर्म को बर्बाद करने का हम हिंदुओं ने ले रखा है क्या? इतना तो बर्बाद कर चुके और कितना करोगे भाई। सबसे ज्यादा अगर हिंदू धर्म को कोई बर्बाद कर रहा है तो वो हिंदू है, बाकी किसी में इतनी औकात ही नहीं है कि वो हिंदू धर्म पर आज तक ला सके। सबसे ज्यादा नुकसान हम हिंदू ही हिंदू को पहुंचा रहे हैं। एक बार एक गांव के बीचों बीच एक नीम का पेड़ था, बहुत पत्ते उसमें गिरते रहते थे, गिरते रहते थे, गिरते रहते, आसपास वाले बड़े परेशान हो गए। एक दिन एक लकड़ी काटने वाले को बुलाया और कहा कि भैया इसको काट दे, क्योंकि इसके पत्ते हम साफ कर करके थक जाते हैं। लकड़ी काटने वाला आया और वो लकड़हारा काट रहा है लकड़ी को, खच 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 करके आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे वो नीम का पेड़ रो रहा है। बार बार कुल्हाड़ा चल रहा है, चल रहा है, आधा पेड़ कट चुका है। कुल्हाड़े ने नीम से कहा कि देख नीम, तू इतना विशाल पेड़ और मैं इतना छोटा सा कुल्हाड़ा, पर मेरे सामने तेरी क्या औकात है, मैं इतना छोटा सा तुझे काट रहा हूँ, तुझे धराशाही कर रहा हूँ, लेकिन तू कुछ भी नहीं कर सकता है। तब उस नीम ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, कहा कुलाड़े तेरी औकात तो मुझे छूने तक भी नहीं है, काटने की तो छोड़ो, तू मुझ में खरोच कर सके इतनी भी औकात नहीं है, पर दुख इस बात का है कि तुझ में जो हत्ता लगा है ना, वो मेरी ही जात का है, वो मेरी जात का हत्ता तुझ में नहीं लगा होता तो तेरी का औकात कि तू मुझे खरोच तक पहुंचा सके। दोष किसी कुलाड़े का नहीं है, दोष है हत्तों का जो नीम से ही निकले और नीम को ही काट रहे। ऐसे कुल्हाड़ों को उखाड़ कर फेंक दो जो नीम को ही काटने लग जाए। नशा करने वाले जितने भी हैं छोड़ देना, आज ही छोड़ देना।
नशा करना है तो करो ना, पर ऐसा नशा क्यों करो जो नशा उतर जाए। आप बीड़ी का नशा कर रहे हो, जब तक बीड़ी का ठूंठ आपके हाथ में तब तक नशा रहेगा। विमल का नशा जब तक मुंह में विमल है तब तक रहेगा। जर्दे का नशा जब तक मुंह में जर्दा है तब तक रहेगा। तो ऐसा नशा करने से क्या मतलब, नशा करे तो ऐसा करे जो एक बार चढ़ जाए कभी उतरने का नाम ही ना लेवे। हरि नाम का करो ना, प्रभु नाम का करो, एक बार चढ़ जाएगा कभी उतरने का नाम ही नहीं लेगा। तो ऐसे